छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सीजी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर परिणामों की जानकारी दी कि 10वीं के आत्मानंद विद्यालय जशपुर की छात्रा सिमरन शब्बा ने 99.50% के साथ पास किया और टॉप की। वहीं 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल टॉपर रही। 10वीं की प्रावीण्य सूची में कुल 59 नाम शामिल हैं, जबकि 12वीं की प्रावीण्य सूची में कुल 20 नाम शामिल है। इस साल सीजी बोर्ड के 10वीं कक्षा में 3,45,556 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 75.6% छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। वहीं 12वीं में 2,61,022 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिनमें से 80.7% पास हुए हैं। इसके बाद हमारे वेबसाइट में जो है रिजल्ट को माननीय अध्यक्ष मैम द्वारा क्लिक करके पहले 10वीं का और फिर 12वीं का रिजल्ट का क्लिक करके जारी किया जाएगा वेबसाइट पे, और उसी समय हमारे NIIT द्वारा भी उस लिंक पे वेबसाइट में किया जाएगा। इसके बाद जो मेरिट सूची है, हाई स्कूल की मेरिट सूची और हायर सेकेंडरी की मेरिट सूची, तो पहले हाई स्कूल की मेरिट सूची प्रोजेक्टर में हम डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद हायर सेकेंडरी की मेरिट सूची का यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जितने भी कार्यक्रम अभी हैं प्रेस विज्ञप्ति अभी जो है, ये कॉपी आपको बाद में अवेलेबल हम करा देंगे, इसलिए सूचना दी जा रही है। अब मैं माननीय अध्यक्ष मैम से निवेदन करूंगी कि 10वीं के बुकलेट का ओपन करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार और पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम के परिणाम हैं, उसके कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले हाई स्कूल में चलते हैं। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल 3,40,230 छात्र सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्ल्स का पास परसेंटेज बॉयज की तुलना में अधिक है। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है। एक और एनालिसिस ये है कि कितने छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्रों का प्रतिशत 34.56% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 36.29% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.75%। दो परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल के कुल 19,012 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं और टोटल 226 परीक्षार्थियों के जो परिणाम हैं, हम विभिन्न कारणों से रोके हैं। इसमें से 15 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच के कारण रोके गए हैं और जो शेष 205 है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव के कारण आवेदन निरस्त हुए हैं। अब हम चलते हैं हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में। हायर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 2,58,704 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और इनमें से 2,58,575 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है,
जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। यहाँ भी सेम एनालिसिस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों का अगर हम करें तो ये परिलक्षित होता है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्र हायर सेकेंडरी के, उनका प्रतिशत 34.07% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 42.22% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.45%। पांच परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हायर सेकेंडरी के कुल 22,232 परीक्षार्थी पूरक के लिए पात्रता रखते हैं। हायर सेकेंडरी में 129 परीक्षार्थियों के जो परिणाम है वो रोके गए हैं, इसमें से 31 नकल के प्रकरण है, 6 जांच में है और शेष 96 जो है वो ऐसे परीक्षार्थी है जिनके पात्रता के अभाव में आवेदन निरस्त हुए हैं। एंड जो विभाग के आदेश अनुसार इस वर्ष भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बोनस अंक दिए गए हैं। इस तरह के जो बोनस अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल के छात्र 1108 है और हायर सेकेंडरी के 1131। ये परिणाम हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सुबह स्कूल जाती थी 8 से 2 बजे स्कूल जाता था। स्कूल जाने के बाद खाना खा के फ्रेश होकर के थोड़ा सा रेस्ट, 4 बजे 5 बजे से पढ़ने बैठती थी, 10-11 बजे पढ़ती थी, 6-7 घंटे पढ़ पाती थी। कोचिंग नहीं करती थी, कोचिंग नहीं करती थी। 6-7 घंटा क्या बनना चाहती है, क्या लक्ष्य क्या है? मैं UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और ICSE को करना चाहता हूँ। आपको कौन कहना इसमें सही होगा? मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगी, अपने भाई को कहूँगी, वैसे भी जितने भी स्टाफ और टीचर्स हैं, और मम्मी हाउस वाइफ है, भैया स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने अभी 11th एग्जाम लेके 12th में प्रमोट किया। अभी क्या बनने का लक्ष्य है? UPSC एग्जाम क्रैक करके आईएएस।